नमस्ते, कृतिका किचन में आपका स्वागत है। आज हम हरी हामी का छुंदा बनाएंगे। यह छुंदा खट्टा मीठा होता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आइए शुरू करते हैं बनाना। छुंदा बनाने के लिए हमने हाफ के जी हरी आमी ली है। आप छोटी बड़ी कैसी भी हरी आमी ले सकते हैं। इन्हें हमने धो लिया है और अच्छी तरीके से इसका पानी पोंछ दिया है। अब इसका छिलका उतार देंगे हरी आमी का। आमी हमने छील ली है। अब इसे हम घिया कस से घिस लेंगे। आमी को काटना नहीं है, इसे घिसना है। ऐसे ही हम सभी आमियों को छील कर घिस लेंगे। सारी आमी हमने घिस ली है। इस तरीके से आपको घिस लेना है आमी को। और आम छुंदा बनाने के लिए हम मसाले लेंगे। मसाले में हमने आधी कटोरी चीनी ली है, ये 2 बड़ी चम्मच चीनी है। और आधी कटोरी हम गुड़ लेंगे, 2 बड़े चम्मच ये गुड़ हैं। दोनों को हम डालेंगे, इस छुंदा बनाने में यूज़ करेंगे। और हाफ टी स्पून हमने गरम मसाला लिया है, 1 टी स्पून सौंठ ली है, हाफ टी स्पून लाल मिर्च और हाफ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर और 1 टी स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 टी स्पून काला नमक और हाफ टी स्पून हमने सादा नमक लिया है। इन सभी मसालों को हम छुंदा बनाने में यूज़ करेंगे। गैस पर हम कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो जाएगी तब हम 2 चम्मच इसमें घी डालेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम हरी आमी को डालेंगे जिसे हमने घिस लिया था। और इसे हम 2 मिनट चलाएंगे। मीडियम गैस पर ही हमें चलाना है आमी को। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक, सादा नमक, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, गरम मसाला, सौंठ पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अब इन सभी मसालों को हम मिला देंगे आमी के अंदर और आमी को अच्छी तरीके से पका लेंगे। इसे हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। चलाते हुए आप पकाएं इसे, वरना ये लग जाएगी कढ़ाई में, जल जाएगी, इसलिए चलाते हुए ही पकाना है और गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। अब हमने आमी को 5 मिनट अच्छे से चलाते हुए सॉफ्ट पका लिया है। अब इसमें हम 1 कटोरी हाफ कटोरी गुड़ और हाफ कटोरी चीनी को मिला देंगे। अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे और इसे हम 4 से मिनट चलाते हुए पका लेंगे। देखिए गुड़ और चीनी हमारी मेल्ट हो गई है इसके अंदर। अब ये हम 2 से 3 मिनट इसे पकने देंगे। ये हमारी अच्छी तरीके से बन के तैयार है। छुंदा हमारा बन चुका है। गैस बंद कर देंगे और इसे हम अपने निकाल लेंगे 1 कटोरी में।